तो बच्चों ये अपनी पहली थ्योरम है, कौन सी? गॉस थ्योरम। अब आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखते जाएं, क्या लिखा हुआ है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε₀ टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। दैट मीन्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का कितना टाइम्स होता है? 1/ε₀ टाइम। तो वंस अगेन, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε₀ टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम का क्या हो गया? स्टेटमेंट। फिर मेरे साथ एक बार देखो, रिवाइज करो, क्या लिखा है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε₀ टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये बच्चों था इसका स्टेटमेंट, ये 2 नंबर का आता है। अब 3 नंबर का इसका प्रूफ है, उसको क्लियर करें। तो फिगर को ध्यान से देखें। लेट अस सपोज दिस वन इज क्लोज्ड सरफेस, ऑब्वियसली इट इज ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, प्लस क्यू चार्ज इज लाइज इन साइड दिस क्लोज सरफेस। नाउ कंसिडर अ पॉइंट पी विच इज लाइज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एट इट्स सरफेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला? ई विच इज इक्वल्स टू 1/4π₀ क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। व्हाट इज दिस? इट इज अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। दैट मीन्स इट इज अलॉन्ग ओ पी। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। नाउ कंसिडर स्मॉल वैक्टर एरिया एट पॉइंट पी। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पी पे हमने एक स्मॉल वैक्टर एरिया चूज किया है। ऑब्वियसली ये तो सरफेस है, एरिया है, वेक्टर एरिया बनाना है। तो आप देखें इसका मैंने एक नॉर्मल भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो नाउ हियर द स्मॉल वैक्टर एरिया एट पॉइंट पी which is given by vector ds which is equals to ds into n cap। तो दो चीजें हमने निकाल दिया, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया, सेकंड हमने वेक्टर एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब तीसरा काम हम क्या करेंगे? नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल वेक्टर एरिया ds। क्या बताया था अपने? फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की वैल्यूज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में है, सेकंड आप देखें वेक्टर एरिया हमारे पास में, दोनों की वैल्यूज यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या हो जाएगा? 1/4π₀ क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू वैक्टर आर कैप। आगे बात करें ds के लिए, ds इंटू वैक्टर एन कैप। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या करा हमने? 1/4π₀ क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस, और साथ में लिखा है वेक्टर आर कैप इंटू वेक्टर एन कैप। ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। पढ़ा था अपने 11th क्लास में द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1। दैट मीन्स वेक्टर आर कैप इंटू वेक्टर एन कैप, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 1। तो क्या बचेगा हमारे पास में रिमेनिंग? डी फाई ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू 1/4π₀ क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो ये निकाला हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस स्मॉल वेक्टर एरिया के लिए। अब बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस के लिए निकालना है, मतलब इस पूरे काम क्या करेंगे? सरफेस इंटीग्रेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेट फ्लक्स, दैट मीन्स फाइव विच इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डी फाइव। इस पूरे की वैल्यूज ऊपर है, यहाँ पे रख दीजिए। क्या होगा यहाँ से? 1/4π₀ क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल दें, अंदर कितना बचेगा? सरफेस इंटीग्रल डी एस। व्हाट इज दिस? इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4π r² सब्स्टिट्यूट करो, देखो 4π से 4π, r² से r² कैंसिल, फाइनली वी गेट 5 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय
epsilon 0 into Q. What is this? It is the net electric flux which is passing through the closed surface, and it is equals to 1 by epsilon 0 times of charge present inside it. What is this? Gauss theorem. So clear ho gaya Gauss theorem ka statement.